हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट लास्ट लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ किसे बोलते हैं, कि कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो रिएक्शन स्टार्ट होने पर कोई हमारे पास कोई नया मॉलिक्यूल या कोई नया किसी भी तरह का पार्टिकल जनरेट होता है, लेकिन रिएक्शन खत्म होने से पहले वो भी क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नाम से पता लग रहा है इंटरमीडिएट मतलब कुछ बीच में बन रहा था, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब कितने तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, तो बेसिकली जो हमें, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं टोटल इंटरमीडिएट, छः तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। पहला कार्बोकेटाइन, सेकेंड कार्बेनाइन, थर्ड फ्री रेडिकल, फोर्थ कार्बीन, फिफ्थ नाइट्रीन और सिक्स्थ बेंजाइन। तीन नाम ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे, फर्स्ट कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। ठीक है, इनके अलावा तीन इंटरमीडिएट और होते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, इनको हम जो पूरी आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं आगे, उसमें पूरा वन बाय वन जहाँ जहाँ पे जैसे यूज होगा वहाँ पर इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट की बात है, सबसे पहला जो लिखा है कार्बोकेटाइन, ठीक है, इसकी अलग एक इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ चीज़ें हम मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज तो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर जो आपको पता है, ठीक है, हम ये सब चीजें जीओसी में एक बार डिस्कस कर चुके, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से बताऊंगा कि कार्बोकेटाइन का मतलब है कि उससे कार्बन की जनरली वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, चार वैलेंसी होती है, चार वो बॉन्ड बनाता है, तो अगर वो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए और उसके पास एक, ठीक है, ये क्या पी ऑर्बिटल है उसके पास, तो तीन इसने क्या बना लिए, एक्स वाई जेड, तीन एटम या कोई भी होंगे, तो इस कार्बन ने तीन तो क्या बना ली, बॉन्ड बना लिया, और एक इसका ऑर्बिटल खाली है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये क्या एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, हाइब्रिडाइजेशन जो इसका होगा sp2 होगा, एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, छः होंगे, जो ये पी ऑर्बिटल होगा, प्योर पी ऑर्बिटल होगा, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा इसके, ठीक है, मतलब इस प्लेन में ये तीनों है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये पी ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब अगर इस प्लेन में ये हमारे पास sp2 ये कार्बोकेटाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब एक लोब आगे और एक लोब पीछे की तरफ होगा, ठीक है। फिर 6π इलेक्ट्रॉन वगैरह सब पता ही, हाँ, अब इसमें देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लुईस एसिड जैसे भी काम करेगा और कैसा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी काम करेगा, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर चुके, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रोफाइल भी है, लुईस एसिड भी है, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इस पर क्या डिस्कस कर चुके। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इंपॉर्टेंट इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो भी हम ये चीज़ भी हम क्या पढ़ चुके इसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से, लेकिन ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद या हो सके, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जो मैंने ऑर्डर बताया था, किस ऑर्डर में हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती, ठीक है, एक बार उसमें कुछ क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे मैंने जीओसी में प्रैक्टिस करा, उसको भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आगे की पूरी हमारी कहानी चलेगी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में जो ऑर्डर होता है, ठीक है, किस ऑर्डर में हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो पहली चीज इसमें देखी जाती है, ठीक है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, क्या कार्बोकेटाइन पार्ट एरोमेटिक का पार्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी, ये इससे भी पहले क्या आता है, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रहता है डांसिंग रेजोनेंस रहता है, उसके बाद आता है पार्ट ऑफ एरोमेटिक, सबसे पहले आएगा डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, तो इसके बारे में हम जीओसी में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके, सबसे ज़्यादा डांसिंग रेजोनेंस होगा, थ्री मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन है तो वो डांसिंग रेजोनेंस शो करता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर उसके बाद प्लस एम, उसके बाद रेजोनेंस, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, देन अब ये जो कम करने वाले उसको उल्टे ऑर्डर में देखते हैं, ठीक है, तो प्लस आई के बाद कौन आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, फिर माइनस एच, देन माइनस एम, और लास्ट में पार्ट ऑफ
एंटी एरोमेटिक, ठीक है, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो ये इस ऑर्डर में हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और हर एक में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, तो एक बार चाहो तो वापस से जीओसी के नोट्स निकाल के और उनके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अब जो आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सारी कहानी किसी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर चलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किस में कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो एम क्या है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस अलग चीज़ होती है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, सब जीओसी में पढ़ चुके, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी बता तो दिए कि हमारे पास छः इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन छः इंटरमीडिएट में से मैं सिर्फ एक इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, अभी कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर की बात कर ली, उसकी प्रॉपर्टी की बात, उसकी स्टेबिलिटी की बात कर ली। अब इस पे कार्बोकेटाइन से आगे मैं चल रहा हूँ कि एक टर्म आप जनरली सुनते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, मतलब कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज, मतलब अरेंज, जो उसकी अरेंजमेंट है वो चेंज होती रहती है, बार बार रीअरेंज हो रहा है। वो रीअरेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन क्या चाह रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो रीअरेंजमेंट करता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कहीं एक जगह कार्बोकेटाइन है तो अपनी पोजिशन को शिफ्ट करता रहता है, पोजिशन चेंज करता रहता है, जिसको हम शिफ्टिंग भी बोलते हैं, 1-2 शिफ्टिंग, अल्फा बीटा शिफ्टिंग, या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, अलग अलग नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही हम आगे पढ़ने वाले, इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए, किस तरीके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले और इसके बाद, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब स्टार्ट करते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसे हम अल्फा बीटा शिफ्ट या 1-2 शिफ्ट भी बोलते हैं। अब रीअरेंजमेंट कब होगा, किस कार्बोकेटाइन का होगा, कैसे हमें पता लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो कंडीशन लिखी। पहली कंडीशन तो मैंने लिखी है, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट अटेन मोर स्टेबिलिटी देन ओरिजिनल वन। जो ओरिजिनल हमें कार्बोकेटाइन दे रखा होगा, जो हमें कार्बोकेटाइन जिस फॉर्म में दे रखा होगा, या किसी रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन बनता है इनिशियली, उस कार्बोकेटाइन जो हमें मिला है, उस कार्बोकेटाइन से शिफ्ट होके, ठीक है, उस कार्बोकेटाइन से शिफ्ट होके फिर कुछ कोई दूसरा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। मतलब शिफ्ट क्या होता है, अभी शिफ्ट मतलब कोई एटम शिफ्ट होता है, नहीं अब एटम होगा या कोई ग्रुप ऑफ एटम होगा या कोई मॉलिक्यूल होगा, वो आप उस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। मतलब कुछ ना कुछ एक ग्रुप एटम या कोई ग्रुप शिफ्ट होगा और उस कार्बोकेटाइन को क्या रिप्लेस करेगा, यानी ऐसा करने पर अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तभी वो शिफ्टिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, क्लियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पहली बात तो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने चाहिए शिफ्टिंग से, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो पहले थी वही सेम स्टेबिलिटी शिफ्टिंग के बाद भी हो रही तो भी पॉसिबल नहीं है, ये प्रोसेस उसी कॉस्ट पे होगा जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी तो वही उस शिफ्टिंग को क्या करा पाएगा, ठीक है, उस शिफ्टिंग को जो वो शिफ्टिंग हो रही उस शिफ्टिंग को वो पॉसिबल करा पाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी से, यानी आ रही बात समझ में। तो कंडीशन ध्यान रखना, पहली बात तो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़नी चाहिए, कब तक बढ़ेगी वो उसकी कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट स्टेप तक बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ रही है तो वो शिफ्टिंग होती रहेगी। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में शिफ्ट हो जाएगा, दो में नहीं हो सकता, तीसरे में, कभी जितने चाहो उतने स्टेप में शिफ्ट करवा सकते हो, कंडीशन की हर स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए प्रीवियस से, यानी स्टेबिलिटी अगर बराबर भी रह रही तो भी पॉसिबल नहीं, और स्टेबिलिटी कम भी हो जा रही तो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में लिखी, शिफ्टिंग इज ओनली पॉसिबल ऑन नेबरिंग एटम, दैट इज 1-2 शिफ्टिंग, ये हम अल्फा बीटा नियर बाय को अल्फा बीटा भी बोलते हैं, 1-2 शिफ्टिंग, मतलब शिफ्टिंग नियर बाय कार्बन, मतलब इसके ऊपर कार्बोकेटाइन है तो इस वाले पे ही जा सकता है वो प्लस चार्ज। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1-2 को छोड़ के 3 पे चला गया, 1-3 शिफ्टिंग या 1-4 शिफ्टिंग, 1-5 शिफ्टिंग, ठीक है, टोटोमर में जैसे हम देखते थे ऐसे स्पेस टोटोमर या ट्रायड वगैरह नहीं, नेबरिंग 1 और 2 इनके बीच में शिफ्ट होगी, अगर नहीं पॉसिबल है तो नहीं होगा। यानी दो कंडीशन क्लियर ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑलवेज बढ़नी चाहिए और शिफ्टिंग नियर बाय एटम पे, कार्बन एटम पे होगी और किसी पे नहीं होगी। अब ये शिफ्टिंग कई तरह की होती है, एक होती है हाइड्रेट शिफ्टिंग, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है और कार्बोकेटाइन उसके ऊपर आ जा रहा है, नहीं
ठीक है। दूसरी होती है फिनाइल शिफ्टिंग, बेंजीन रिंग शिफ्ट हो जा रही है उसकी जगह कार्बोकैटायन आ जा रहा है। तीसरा होता है इन जनरल मिथाइल शिफ्टिंग भी बोलते हैं, और मैं जनरल बोल रहा हूँ एल्काइल, कोई भी एल्काइल हो सकता है, जरूरी नहीं मिथाइल ही है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, एल्काइल शिफ्टिंग इन जनरल बोल रहा हूँ। तो तीन तरह की शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और एल्काइल शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ हाइड्राइड शिफ्टिंग की, ठीक है। तो यहाँ जो हेडिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइप की जो शिफ्टिंग होती है वो होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, और शॉर्ट में इसको हाइड्राइड का एच शिफ्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्राइड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्शन एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसमें CH2 और इस पर ही कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, अभी इसको देखना, मैंने क्या करा, CH3CH कार्बोकैटायन और CH3, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे तो सेम है, एक दो तीन कार्बन सेम है, एक दो तीन कार्बन सेम है, इधर तीन हाइड्रोजन और दो पांच और दो सात, तो तीन और एक चार और तीन सात। हुआ क्या है, ध्यान से देखोगे, ये CH3 एज इट इज है, इधर CH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और इसके ऊपर चला गया, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और इसके ऊपर चला गया, तो इस CH2 से क्या बन गया, CH3, और कार्बोकैटायन का इसके पास आ गया, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल बगल वाले के पास है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ आता तो इसको 1-3 शिफ्ट बोलता मैं, तो इसको बिल्कुल नियर बाय वाले के पास यहाँ से यहाँ है तो इसको बोलेंगे हम 1-2 शिफ्टिंग या अल्फा बीटा, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, अल्फा बीटा शिफ्टिंग, नेबरिंग कार्बन एटम पे शिफ्ट होना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसको देख लेते हैं, एक छोटा सा इसका मैकेनिज्म टाइप बता देता हूँ मैं। होता कैसे, देखो यहाँ पर है हमारे पास CH3CH और यहाँ पर है हाइड्रोजन, और ये मेरे पास है CH2 प्लस कार्बोकैटायन। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होना चाह रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी पाना चाह रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसा है वो भी बता दूंगा, एक बार पहले इसको देख लेंगे ध्यान से। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या करता है, इसके पास जो कार्बोकैटायन है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। जब ये यहां से यहां शिफ्ट होना चाहेगा तो हो क्या रहा है, CH3CH और यहां पर CH2, यहां पर है हाइड्रोजन, ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तो क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होता है, और ये वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होता, फॉर्म हो रहा था, ठीक है। ये बॉन्ड टूट रहा होता है और ये बॉन्ड बन रहा होता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। और उसी टाइम पे, क्योंकि अभी सिर्फ इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया डेल्टा से, इस तरीके से कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा लगाया मतलब क्या, पार्शियल मतलब ये चार्ज जो पॉजिटिव कम हो रहा होगा, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे डेवलप होने लग रहा है, ठीक है। इस पर चार्ज खत्म हो रहा है और उस पर चार्ज आने लग रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे दोनों को डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है, और ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। जब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और ये बन जाएगा तो ये मुझे मिल जाएगा CH3CH कार्बोकैटायन और यहाँ पर CH3, यही बना मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें, पहली चीज़ तो यहाँ पर इससे ये फॉर्म क्यों बना, क्योंकि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन में देखना इस कार्बन के पास दो नियर बाय, इस बगल वाले कार्बोकैटायन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जिसके ऊपर कार्बोकैटायन है उसके नियर में जितने भी कार्बन है सारे क्या कहलाते हैं, अल्फा कार्बन। जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होंगे
और उन पे जितना ज़्यादा, और उन सभी कार्बन से जुड़े हुए, तो जैसे इस कार्बन से अभी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, जो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही अल्फा कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन नहीं बोलूंगा। इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए तो उन सबको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास, दो। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखूंगा तो मेरे पास क्या, दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां मैं वही लिख रहा हूं। यहां पर मेरे पास क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, सही है। यहां पर चेक करो, अब कार्बोकैटायन जब शिफ्ट हो गया तो अब ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। जो भी कार्बन कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो दो अल्फा कार्बन है और दोनों पे तीन और तीन, टोटल कितने, छह अल्फा हाइड्रोजन है। तो छह, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर मेरे पास क्या है, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगी शिफ्टिंग क्यों हुई। शिफ्टिंग इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोकैटायन था इनिशियली, उसके बाद दो अल्फा हाइड्रोजन थे और जो हमारे शिफ्टिंग के बाद सिक्स अल्फा हाइड्रोजन मिला। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए ये वन डिग्री, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे वन डिग्री है, यहाँ पर ये क्या है, वन डिग्री कार्बोकैटायन है ये, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या बन गया, ये टू डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वन डिग्री के अंदर अल्फा एच दो थे, जबकि टू डिग्री में अल्फा एच छः हो गए, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी तो ये जो हमारे पास ओरिजिनली, ठीक है, ये ओरिजिनल वन जो देखो, ये जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा था, कंडीशन शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट अटेन मोर स्टेबिलिटी देन ओरिजिनल वन। मतलब इनिशियली मैंने मान लिया मेरे पास ये था, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो हमेशा ही शिफ्टिंग करेगा ही करेगा। अगर स्टेबिलिटी इसकी बराबर ही होती है, इससे कम होती है, तो शिफ्टिंग नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये बोला कि इज ओनली पॉसिबल ऑन नेबरिंग कार्बन एटम, दैट इज वन टू शिफ्टिंग। मतलब यहां से यही शिफ्ट हो सकता है, यहां से डायरेक्ट इसके ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि यहां से इधर आने से अगर ऐसा मॉलिक्यूल उस पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वन से थ्री शिफ्ट कर लोगे, नहीं। भले बढ़ रही हो नहीं हो रही, वन से थ्री कभी पॉसिबल ही नहीं। अगर वन से टू पॉसिबल है तो करा, और नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है, लेस स्टेबल है ये, ठीक है। मैकेनिज्म कुछ पूछेगा नहीं कोई, बस मैंने एक बार समझाने के लिए बता दिया किस तरीके से होता है। ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये किस तरीके से वो मैंने समझाया बस। और ये जो हमारा फाइनल बना वो क्या मिला, कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बना ये, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्राइड शिफ्टिंग हमें देखनी है। तो ये तो बस समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब ठीक है, अब मैं कुछ कार्बोकैटायन्स दे रहा हूँ और तुम्हें देखना है कि उसमें शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस तरीके से होगी और कितने। जैसे एक शिफ्ट हुआ तो ये छोटा मॉलिक्यूल था, तो बड़ा मॉलिक्यूल होता तो हो सकता है तो एक से ज़्यादा शिफ्टिंग हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। इनफाइनाइट स्टेप तक चल सकता है अगर हर स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी प्रीवियस वन से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले और फिर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं, जिसमें आप शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग देखें पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और इसको कॉपी कर लेना। अभी जो मैं जितने भी एग्जांपल लिखने वाला हूँ, ठीक है, सारे हाइड्राइड शिफ्टिंग के लिखने वाला हूँ, ठीक है। फिर फिनाइल शिफ्टिंग और एल्काइल शिफ्टिंग हम बाद में देखेंगे, अभी पहले हम हाइड्राइड शिफ्टिंग पे एक बार प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देना। तो यहाँ पर ठीक है, ये इसको एग्जांपल ही रख लेना, इसको वन नाम, ठीक है। इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है पहला, ये दे रखा हमें CH3CH CH3 CS2+। इसमें देखें क्या कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है, और है तो किस तरीके से वो हमारा कंपाउंड बनेगा वो भी देख लो उसमें।
शिफ्टिंग का बस एक ही रूल है सिंपल सा, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने चाहिए और नियर बाय कार्बन से ही, ठीक है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं करवानी। दो ज्यादा लगा दिए इसमें, ठीक है। तो दो एग्जांपल लिखे आपके सामने, इसमें चेक करना है कि शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। इससे फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें देखे ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली देखे इसमें, तो इसमें ये कार्बोकेटाइन पे स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, ठीक है, प्लस आई इससे ज़्यादा क्या होता है, एच होता है, तो पहले एच फैक्टर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, वन अल्फा हाइड्रोजन, सही है। अगर ये कार्बोकेटाइन नियर बाय तो यही इस पर शिफ्ट हो जाता है तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो देखना सी एस थ्री सी प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट जहाँ पे कार्बोकेटन जाएगा वहाँ से हाइड्रोजन उस पर ले आओ प्रीवियस वन पे, बस। तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ गया सी एस थ्री। अब देखे इसमें, तो अब कितने हो गए, अब एक दो तीन अल्फा कार्बन और तीन छः नौ, नौ अल्फा हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग पॉसिबल है, बिल्कुल होगी। इस केस में देखे यहाँ से, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ, अभी ये वन डिग्री, यहाँ से टू डिग्री चल जाएगा, तो अभी इसके पास कितने हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ, अभी कितने हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से ये आ जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक शिफ्टिंग तो ये हो गई सी एस थ्री सी एच सी एच कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर बन जाएगा सी एस, यहाँ से वन टू, ठीक है, नियर बाय कार्बन पे जा सकता है, तो नियर बाय कार्बन पे यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आते ही ये बनेगा कार्बोकेटाइन, इधर हाइड्रोजन आ गया। अब इस पे अल्फा कार्बन कौन थे, एक ये है और एक ये, तो तीन और एक चार, टोटल कितने हो गए, फोर अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है, तो ये क्या शिफ्टिंग पॉसिबल है, क्या और कोई शिफ्टिंग पॉसिबल है, यहाँ से क्या, या तो वापस इधर चल जाए तो वो तो वही हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से इसके ऊपर भी जा सकता है जिससे स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी क्या, देखते। तो यहाँ से ये क्या करें, एक बार और शिफ्ट कर ले सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री। अब देखिए इसमें यहाँ से इधर गया तो ये H इधर आ जाएगा, तो ये H इधर आ गया। अब ये देखें इसके पास एक दो और तीन अल्फा कार्बन है, ठीक है, तीन अल्फा कार्बन है, तो तीन छः और दो आठ, आठ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसमें। फर्दर क्या ये यहाँ से यहाँ आ जाता है या यहाँ से यहाँ चल जाता है, तो क्या शिफ्टिंग पॉसिबल है, यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा तो ये वन डिग्री हो जाएगा, और ऐसा होने पे इसके अल्फा कार्बन आठ से तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, तो वो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो मेरे जो मैं समझा रहा था भाई कि शिफ्टिंग जैसे एक बार हुई फिर एक बार हुई भाई, यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप नहीं ला सकते आप कि यहाँ से आपने वन से डायरेक्ट इस पर कर दो शिफ्ट की सर है ना, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं, इस पर आ सकता है लेकिन यहाँ आने के बाद, अगर यहाँ ही नहीं आ पा रहा तो यहाँ डायरेक्ट आना पॉसिबल नहीं है, वन थ्री शिफ्टिंग वन फोर वन फाइव शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। हाँ, पहले वन टू शिफ्टिंग कर लो, नियर बाय पर आ गया, फिर देख लो फर्दर और स्टेबिलिटी बढ़ सकती है तब ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेप ही नहीं आ रहा तो डायरेक्ट ये स्टेप नहीं जाओगे बार बार, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि वन थ्री वन फोर शिफ्टिंग डायरेक्ट नहीं होगी, पहले नियर बाय पर कराओगे और जब नियर बाय पर हो जाएगी तब उसमें फर्दर आप सोच सकते हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी कार्बोकेटाइन पे डायरेक्ट या किसी भी कार्बन पे कार्बोकेटाइन लगा दो, ठीक है। तो इसमें दो बार शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसमें,
सर मैं कहाँ हूँ बोल। ये पिटिशन को देना है, उनका स्कैन सीधा मैंने बनाया है। और ठीक है, तो इसमें देखिए शिफ्टिंग, तो यहां से यही शिफ्ट करा सकते हैं। तो यहां से मैंने यहां शिफ्ट करा दिया CH3 CH CH3 CH2 CH कार्बोकैटायन और यहां पर इसको CH2 कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, हाइड्रोजन देख लेना कहीं कम ज्यादा हो तो बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2 कार्बोकैटायन आ गया। तो यहां से यहां शिफ्ट करा, तो यहां पे जब शिफ्ट करा तो इधर देखोगे तो कितने यहां पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे जब यहां आ गया 2 डिग्री बन गया तो 3 और 2 टोटल कितना आ गया 5 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी है, मतलब शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या फर्दर शिफ्टिंग होगी? यहां से यहां शिफ्ट करा लो। ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट करा लोगे तो क्या पॉसिबल है? तो करा के देख लो एक बार। चलो मैं लिख देता हूं ये स्टेप भी, CH3 CH CH3 CH कार्बोकैटायन और यहां पर CH2 CH3। ठीक है, एक बार खुद भी बना के देख लेना, दिख जाएगा। मैंने आप वैसे ही बना दिया। देखो जब यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे तो इधर दो अल्फा हाइड्रोजन और इधर क्या मिलेगा 1 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितना 3 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जब इसको यहाँ शिफ्ट करोगे कार्बोकैटायन को, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने मिलेंगे 2 और इसके हाइड्रोजन कितने मिलेंगे 3। दो ही अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की उल्टी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये कभी भी ऐसी शिफ्टिंग नहीं होगी। तो मैंने वापस से बोला कि शिफ्टिंग हर स्टेप में तभी हो सकती है जब स्टेबिलिटी बढ़े। स्टेबिलिटी बराबर हो तब भी नहीं बढ़ेगी। मान लो इधर 5 है, अगले स्टेप करने पे 5 अल्फा हाइड्रोजन आते तो भी नहीं करता है, 5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए थी। यानी मतलब स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए हमेशा, कंडीशन यही है। ठीक है, तो ये इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे इसमें यहाँ से यहाँ 2 बार शिफ्टिंग हुई, इसमें नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जैसे अगला कार्बोकैटायन बनाओगे तो स्टेबिलिटी उल्टा क्या हो जा रही, कम हो जा रही है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें बताएं शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, दो एग्जांपल लिखे मैंने, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इसमें ट्राई करें शिफ्टिंग। फोर्थ की पहले मैं बात करूं तो फोर्थ में देखना, अभी इस जो कार्बोकैटायन है तो उसके पास एक इधर और एक इधर। ठीक है, दो हाइड्रोजन इधर होंगे, दो हाइड्रोजन इधर होंगे और दोनों अल्फा कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इस कार्बोकैटायन को शिफ्ट करूंगा तो जा यहां तो इधर मूव करा लूं या इधर मूव करा लूं, यहाँ से यहाँ तो नहीं आएगा या यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर इधर और आइदर इधर, एक ही स्टेप चल सकता है नियर नेबरिंग में। अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ इस कार्बोकैटायन को, ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ। अगर इधर मैंने कार्बोकैटायन को शिफ्ट करा दिया तो अब देखना इसमें 1 2 3 4 अभी भी कितने हैं इस पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी सेम ही है, बड़ी नहीं है। अगर मैं इसको इस साइड मूव करा देता
अब देखना इसमें, जब मैंने इसको इस साइड में राइट साइड में मूव करा दिया, तो अब देखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो कितने हो गए, 1 2, दो ही अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, कितने, दो ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या ये होगा या ये पॉसिबल होगा या इसमें शिफ्टिंग पॉसिबल होगी नहीं, क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, मैंने दो पॉसिबिलिटी दोनों बता दी, तो दोनों में से क्या होगा? ठीक है, तो ये तो सर आप बोल रहे हो कि स्टेबिलिटी हमेशा बढ़नी चाहिए, तो इसमें तो बराबर ये, तो ये भी नहीं होना चाहिए, और इसमें तो उल्टा और कम हो गई, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है, सेम ही आ रही। लेकिन इस केस को ध्यान से देखोगे तो दो अल्फा एस तो रह गए, लेकिन डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस हमेशा क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अभी लिखाया था मैंने ऑर्डर किसका, कार्बोकैटायन का, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस हुआ यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात इसकी बढ़ गई, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, इस साइड में नहीं होगी, कौन सी, इस साइड में होगी, नहीं। ठीक है, और ये बना लेना, इसको हटा देना, ये बस समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ को ट्राई करें एक बार, इसको फोर्थ को, ठीक है, फिफ्थ को ट्राई करें यहाँ से। ठीक है, इससे यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 1 डिग्री से 2 डिग्री आएगा, तो ऑब्वियस ये बात है स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यहाँ से तो मैं शिफ्ट कर रखता हूँ CH CH3 CH2 CH3, सी एच कार्बोकैटायन और CH3। सही है, ये पहली शिफ्टिंग कराइए, इसमें मेरे पास कितने हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन थे इसमें, जहां पर देखोगे तो 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर कई लोग देख रहे हो तो देख सकते हैं, लेकिन पहले हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देंगे जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। हाँ, अगर वो सेम आती तब मैं देखता है, नहीं क्या इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह या दूसरी चीजें। अब आ जाओ यहां से, अब क्या इसके बाद और हो सकता है पॉसिबल इसमें शिफ्टिंग? ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो इसके आगे आप देखोगे तो इसके आगे भी शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूं बना के। अब यहां से कहां, यहां तो जाएगा नहीं, यहां से यहां आ सकता है, तो पीएच सीएच सीएच थ्री सीएच कार्बोकैटायन सीएच टू सीएच थ्री। ठीक है, अब इससे कहां, यहां पर आ गया, तो यहां कार्बोकैटायन आ गया, यहां हाइड्रोजन चला गया। अब देखना इसमें 1 2 3 अल्फा कार्बन है, तो 1 और 3 4 और 2 6 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर कितने थे, 2 से 5 हुए, 5 से यहाँ पर कितने हो गए, 6, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। क्या इसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग की? ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरीके से घुमा के बना रहा हूँ, आपके पास जगह हो तो उसको प्रॉपर एक ही लाइन में हो सके तो बना लेना। ठीक है, अब देखना, अब पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ, ऐसा अगर मैं कर दूँ तो ये कैसा बन जाएगा, पीएच यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा, CH3 CH2 CH3, यही होगा। अब कार्बोकैटायन कहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ हाइड्रोजन चला गया। अगर किसी के दिमाग में चल रहा था कि कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ क्यों, सर यहाँ भी आ सकता, तो यहाँ भी बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी चेक कर लेना। ठीक है, मुझे दिख रहा है 3 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली बात है क्या होंगे, कम ही होंगे। यहाँ पे अब कार्बोकैटायन वहाँ से कहाँ, ठीक है, थर्ड वाले से इस साइड में आ गया, ठीक है, लेफ्ट में फोर्थ वाले के पास आ गया। क्या ये स्टेप पॉसिबल है, क्या ये स्टेप पॉसिबल है, क्या ये हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या इसमें? तो इसको ध्यान से जब देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन जब काउंट करोगे तो 2 और 3 5, पीएच का मतलब क्या, ये बेंजीन रिंग होगी, इसको ऐसे बना दूं,
इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग होगी। तो क्या ये वाला अल्फा कार्बन कहलाएगा? यहाँ पे तो है ही नहीं, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से देखो तो तीन और दो कितने हो गए, पाँच, और यहाँ कितने थे, छः। तो फिर ये पॉसिबल है क्या? इसके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही ढूंढते मत ले जाना, मैंने बोला स्टेबिलिटी कैसे भी बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो कम हो गए, लेकिन रेजोनेंस हो गया है, बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटायन, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, पूरे रिंग के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, घूमेगा, मतलब रेजोनेंस हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई और बढ़ गई है, ठीक है। तो एक स्टेप पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, ठीक है। मैंने फिर से बोला था कितने भी शिफ्ट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शिफ्टिंग हो सकती है, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल पे। हर बार स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़ने चाहिए कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, इसको कॉपी कर ले। नेक्स्ट देखें इसमें, ठीक है, नेक्स्ट देखें इसमें, ठीक है। दोनों एग्जांपल में बताएं, सिक्स्थ और सेवन्थ में शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है। सेवन्थ को देखें तो वापस से यहां से यहां आ जाए या यहां से यहां चला जाए, अभी देखेंगे तो एक दो तीन चार अल्फा हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहां देखोगे तो क्या है, फोर अल्फा हाइड्रोजन इस केस में, शिफ्टिंग करोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ करोगे तो भी क्या रहेंगे, वन टू थ्री फोर अल्फा हाइड्रोजन ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे, तो वहाँ से उस साइड तो नहीं जाएगा ये। अगर इसको इधर ले आया मैं तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर होता है नहीं, तो देखना लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा या कॉन्जुगेशन हो जाएगा, या पाई बॉन्ड बना लेगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बैक बॉन्डिंग भी बोल सकता हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेशन भी होता है स्टेप का और बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, लोन पेयर सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्ड बना के इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो ये हाइड्रेट शिफ्टिंग पॉसिबल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए, कार्बोकैटायन इधर है, अब ये जो कार्बोकैटायन है ऑलरेडी इस बेंजीन रिंग के साथ क्या स्टेबल है, तो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, सॉरी रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, क्या ये हाइपर हाइड्रेट शिफ्टिंग करेगा क्या ये? अगर यहाँ से कार्बोकैटायन इधर आ जाएगा तो भी इस बेंजीन रिंग में, और यहाँ से इधर है तो भी बेंजीन रिंग में, तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कुछ फर्क पड़ रहा है इस पर? तो कई लोगों ने देख लिया होगा, अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो देखना मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रेट शिफ्ट से, यहाँ से कार्बोकैटायन आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखोगे,
ये कार्बोकैटायन भी इस बेंजीन रिंग में क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। यहां पर ये कार्बोकैटायन भी इस बेंजीन रिंग में क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है बस। लेकिन यहां फर्क क्या है कि ये जब इस रिंग में कार्बोकैटायन यहां आएगा, ठीक है, जैसे यहां से 1 2 3, ठीक है, फिर वापस 1 2 3, जब यहां कार्बोकैटायन आएगा तो इसके साथ भी, ठीक है, बाहर जो ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, दो लोन पेयर है, मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लस एम भी दे रहा है ये साथ के साथ, ठीक है, प्लस एम भी दे रहा है, तो ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा और बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन जो बाहर दे रखा है, ठीक है, बाहर ऑक्सीजन दे रहा है, इसकी वजह से प्लस एम से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगा, जबकि यहां पर बस इस रिंग के अंदर ही घूमेगा, यार रिंग के अंदर तो घूमेगा घूमेगा साथ के साथ, इधर कार्बोकैटायन आने की वजह से इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। तो ये एक हाइड्राइड शिफ्ट करने से भी यहां पर इस ओवरऑल कार्बोकैटायन या इस मॉलिक्यूल की क्या और स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, इसमें एट्थ वन है, ठीक है, अभी तक पूरे पूरे मॉलिक्यूल लिख रहा था, इस बार मैंने क्या करा, लाइन स्ट्रक्चर में बना दिया इसको, तो सेवन में आप चेक करें कि कार्बोकैटायन शिफ्टिंग से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं। ठीक है, दो ही एग्जांपल है, इनको देखें। पहले एट्थ की बात करें तो एट्थ में देखें, यहां पर दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है, अगर ये शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, ये तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, कार्बोकैटायन इधर आ जाएगा और हाइड्राइड इधर चला जाएगा। तो जैसे ही ये अगर शिफ्ट हो जाता है हाइड्राइड, तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें चेक करें नाइन्थ में, अभी क्या 1 डिग्री है, यहां से यह शिफ्ट हो गया तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो ऑब्वियस ये बात है स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो सिर्फ कितने होंगे, 2, दो अल्फा हाइड्रोजन है जो यहां पर लगे होंगे। यहां पर देखोगे तो यहां पर अब कितने हो जाएंगे, कार्बन से 3 हाइड्रोजन आएंगे, जो एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, तो 1 2 3, ठीक है, और यहां पर 1 4, तो टोटल कितना आ जाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या फर्दर और शिफ्टिंग पॉसिबल है, अगर मैं इसको और शिफ्ट करा दिया, अब यहां से यहां शिफ्ट करा दिया, अब देखना यहां पर 3 6 और 7 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है, सारे कार्बन तीनों क्या है, अल्फा कार्बन है, तो कितने हो जाएंगे, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो दो बार इसमें शिफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। फिर 10th एग्जांपल देखें, इसमें दोनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, टेंथ में देखिए क्या कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा, यहां देखोगे तो 1 2, दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये शिफ्ट कर जाता है यहां पर आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और कितना, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे भी कर लेते तो शायद सही हो जाता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद कई लोगों ने, कई बच्चों ने देख लिया होगा, क्या यहां पर बन रहा है डांसिंग रेजोनेंस,
ठीक है, थ्री मेंबर रिंग है और थ्री मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बनाता है? डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस तो हाईली स्टेबल होता है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा? स्टेबल। इलेवंथ में देखें, अभी यहाँ कार्बोकेटाइन है, अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ से देखूंगा तो मैं इस कार्बोकेटाइन पे सिर्फ ये देखूंगा एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो मैं क्या देखूंगा? एक अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा। शिफ्ट कर देने से क्या फर्क पड़ जा रहा है? शिफ्ट कर देने से देखना, एक दो तीन, थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग है, ये दोनों भी क्या है? कॉन्जुगेशन का पार्ट है, और डबल सिंगल लोन पेयर, सॉरी डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, कहीं से भी देख लो, हर एक एटम क्या कॉन्जुगेशन का पार्ट है। और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 में n की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो कितना आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे? बिल्कुल आ रहे। तो कैसा हो गया ये? एरोमेटिक हो गया ये, ठीक है, ये कैसा है? एरोमेटिक है। जबकि अगर इसकी बात करूं मैं तो इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है, ये तो कॉन्जुगेशन का पार्ट ही नहीं, तो एंटी एरोमेटिक तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन क्या बोल दूंगा? नॉन एरोमेटिक है ये, नॉन एरोमेटिक है ये। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक आ रहा, तो ऑब्वियस ये बात, स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, तो जरूर नहीं अल्फा हाइड्रोजन ही देखोगे, ठीक है, हर तरीके एग्जाम्पल में ले रहा हूँ और यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हमने देखा था कार्बोकेटाइन के लिए, उसमें कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिसिटी भी हो सकती है, हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है, रेजोनेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसमें 12th एग्जाम्पल, ठीक है, ये 12th दे रखा है, इसमें एक 6 मेंबर रिंग दे रखी है, उसमें एक डबल बॉन्ड है, ऊपर जो ब्रांच जा रही है उस पर 2 पीएच, मतलब 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, पीएच के फॉर्म में लिखा हुआ है, और साइड में कार्बोकेटाइन एक आम और निकल रही हुई है, उससे सिंगल एक कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये अभी 1 डिग्री यहाँ चले जाएगा तो 2 डिग्री आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी बढ़नी ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब कितने हो जाएंगे? 3 और एक 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या यहाँ से यहाँ आ सकता है अब? ठीक है, तो चेक कर लो इसको भी, अब देखे इसमें जब यहां आ गया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 4 और 1 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो स्टेबिलिटी फिर बढ़ गई है इसकी, स्टेबिलिटी फिर बढ़ गई, 4 से एक अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा ले, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ने चाहिए बस। तो यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां जब आ गया 5 अल्फा हाइड्रोजन, क्या और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें शिफ्टिंग की? तो देख लेते और, अब यहां से क्या जाएगा? एक तो यहां जा सकता है और एक यहां से यहां जा सकता है। जब यहां जाएगा तो देख लेना, एक अल्फा हाइड्रोजन और 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इधर जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो 2 इधर होगा और 1 इधर होगा, टोटल कितने? 3, तो कम हो जाएगी, तो इधर नहीं जाना चाहिए, इधर जा रहा है, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया तो देखना, अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो एक यहाँ तो है नहीं और यहाँ 2, लेकिन यहाँ क्या आ गया? रेजोनेंस आ गया, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये क्या हुआ? डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये स्टेबल होगा, ठीक है, तो ये शिफ्टिंग भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? रेजोनेंस आ गया। क्या और शिफ्टिंग पॉसिबल है इसमें?
अब और शिफ्टिंग क्या है, यहाँ तो आ नहीं सकता, डबल बॉन्डेड वाला ऐड, ठीक है, कहाँ, यहाँ जाएगा नहीं, और यहाँ आ भी जाएगा तो उससे डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट स्टेबल होगा क्या, वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ से अगर मैं ऊपर ले जाऊँ इसको, ठीक है, अब कार्बोकैटायन यहाँ से कहाँ, यहाँ ऊपर आ गया नहीं। अब देखना कि स्टेबिलिटी बड़ी है, यहाँ से तो अभी रेजोनेंस था, डबल सिंगल रेजोनेंस था, क्या इसमें भी रेजोनेंस है, तो यहाँ पर क्या है, ये दो बेंजीन रिंग लगी हुई, तो इस कार्बोकैटायन से वैलेंट ऑर्बिटल सिंगल और बेंजीन रिंग का क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, तो और ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है बेंजीन रिंग के साथ, वापस एक डबल बॉन्ड था सिर्फ, उसके साथ रेजोनेंस था, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होगा, तो यहाँ से एक बार शिफ्ट हुआ, फिर स्टेबिलिटी बढ़ी, फिर शिफ्ट हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी, शिफ्ट हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी, फिर शिफ्ट हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी, तो कोई रूल नहीं है इसके लिए कि कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट स्टेप तक चल सकता है, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल में कब तक स्टेबिलिटी वो बढ़ाए, ठीक है। ऐसे कुछ एक दो एग्जाम्पल और है, जल्दी से देख लेते हैं, इसको कॉपी कर ले। नेक्स्ट देखिए 13, इसमें देखिए क्या हाइड्रेट शिफ्टिंग पॉसिबल है, क्या हाइड्रेट शिफ्ट होगा क्या इसमें, ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल अभी मैंने ऑलरेडी कराया था, तो कई लोगों ने तो ऑब्जर्व कर लिया होगा इसको, तो इसको ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर ध्यान से आप इसको देखोगे तो हर एक एटम साइक्लिक रिंग के अंदर हर एक एटम कॉन्जुगेशन का पार्ट है, डबल सिंगल वैकेंट, डबल सिंगल वैकेंट, डबल सिंगल डबल, ठीक है, साइक्लिक है ही, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितना आ रहे, पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे, 4, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे, 2 और 2 4, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर आते तो कैसा हो जाता है, एंटी एरोमेटिक, ये वाला तो कैसा है, ये वाला तो है एंटी एरोमेटिक, इसकी बात करें तो इसमें ये एटम कॉन्जुगेशन का पार्ट ही नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, साइक्लिक है, लेकिन हर एक एटम कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, यहां वाले हाइड्रोजन से इसको शिफ्ट कर दिया, और यहां कार्बोकैटायन आ गया, अब क्या फर्क पड़ा, तो ये जो अब ये वाला एटम क्या होगा, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, अब नॉन एरोमेटिक हो गया, ये वाला एटम कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया, डबल सिंगल वैकेंट, डबल सिंगल वैकेंट, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 4n+2 से अगर देखो एरोमेटिकली, तो एन की वैल्यू क्या रखो, 0, तो कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि है, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये हाइड्रेट शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ देखे एक रिंग एंटी एरोमेटिक थी, एक नॉन एरोमेटिक थी, यहाँ पर एक रिंग नॉन एरोमेटिक, तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ एक एंटी एरोमेटिक थी, जबकि यहाँ क्या होगी, अब एरोमेटिक में कन्वर्ट होगी, तो ये हाइड्रेट शिफ्टिंग बिल्कुल पॉसिबल है। और एक लास्ट एग्जाम्पल देख लें, CH3CH2 SCH3, ठीक है, और इसको मैं बना देता हूँ CH2 कार्बोकैटायन, क्या इसके अंदर हाइड्रेट शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो यहाँ देखिए इस कार्बोकैटायन के लिए यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH3CH+ सल्फर और CH3। अब देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन तो हो गए,
और एक चीज ऑब्जर्व करिए तो सल्फर के ऊपर क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस या क्या लिख सकता हूँ मैं, बैक बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से भी और स्टेबिलिटी इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हर तरीके मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश करी है जिससे आपको ये समझ में आए कि कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये चेक करना होता है कि हर बार स्टेबिलिटी पिछले वाले से बढ़े, कैसे भी बढ़ सकती है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी, ठीक है, रेजोनेंस से भी, एरोमेटिसिटी से भी, बैक बॉन्डिंग से भी, इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ जरूरत पड़े उससे भी, ठीक है, बस बढ़ने चाहिए। दूसरी चीज कि शिफ्टिंग हमेशा नेबरिंग एटम पे ही होगी, कार्बन एटम पे, उसको कभी भी ओवरटेक नहीं करोगे, ठीक है, उसको ओवर पास करके तीसरे या चौथे पे नहीं जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ाने की, वहां तक जा सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप, अगर हर बार बढ़ रही तो, और अगर नहीं बढ़ रही तो वहां तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने देखा था हाइड्राइड शिफ्टिंग, इसी तरीके से हम देखेंगे फिनाइल और एल्काइल शिफ्टिंग, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर ले और एक बार फिर से ध्यान से इस लेक्चर को देख लेना है।